Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ कि कल ही शहजादी, जिसको अबू धाबी की जेल में बंद रखा गया है, एक 4 महीने की बच्चे की मौत के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया गया है और UAE की अदालत ने उसे सजाए मौत दी है। 20 सितंबर के बाद कभी भी उसे सजाए मौत दी जा सकती है। तो इस खबर को कल कहानी के जरिए आपको सुनाई, उससे पहले वारदात में आज तक के जरिए दिखाई, और अब हमारी टीम शहजादी के फादर वालिद तक पहुंची। और अच्छी खबर ये आई है कि अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट AG और JD वहाँ से एक मेल आया है शहजादी के फादर के पास, और उनसे कहा गया कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है और आपकी जो शिकायत है, आपको लगता है कि आपकी बेटी बेकसूर है, तो आप वो सारी चीज़ें भेजिए, हम विद इन 1 working day 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे और जो भी इस केस में होगा हम आपकी मदद करेंगे। तो अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से ये मेल आया है, बाकायदा उसमें मेल ID दिया गया कि आप इस पर रिप्लाई करें। इतना ही नहीं, उस पर जुडिशियल डिपार्टमेंट का और जो नंबर है वो भी दिया गया है, और कहा गया कि आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एक उम्मीद जगी है, चाहे कहीं से भी जगी हो, लेकिन उम्मीद जगी कि शायद आज 7 तारीख है, 13 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसा हो जाए, और अगर वाकई शहजादी बेकसूर है, बेगुनाह है, तो कम से कम उसे ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो शहजादी के घर वालों ने वकील के थ्रू इस मेल के जवाब का ड्राफ्ट तैयार किया, उनके पास जो भी शिकायतें हैं, कैसी उनकी बेटी को यहाँ से मानव तस्करी के ज़रिए धोखे से भेजा गया, एक घर में बंधक गुलाम बनाकर रखा गया, और कैसे एक बच्चे की मौत के 51 दिन के बाद उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, जबकि उस बच्चे की मौत को लेकर घर वालों ने पोस्टमार्टम तक नहीं कराया हॉस्पिटल से, तो सारे शक और सवाल थे। और वो वीडियो जिस पर कन्फेशन था, जिसमें सारे कपड़े उतार कर ब्लैकमेल कर वो वीडियो बनाया गया, ये सारे सबूत हैं। और शहजादी के कॉल डिटेल भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है पेरेंट्स के पास, जो उसने सारी कहानी सुनाई है। तो हो सकता है वो ऑडियो भी जल्दी आप सुने, लेकिन वो ऑडियो भी एक सबूत है। तो अब अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट के पास ये सारे सबूत आज ही पहुंच जाएंगे, और उम्मीद ये है कि कल तक शायद वहाँ से जवाब आ जाए। तो जो भी जवाब आएगा मैं इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहूँगा, या तो कहानी के ज़रिए, नहीं तो फिर क्राइम तक पे जो स्टोरीज हैं तमाम, आसिम यहीं बैठे हुए हैं आज, तो इस पर नज़र रखे हुए हैं। तो पल पल की डिटेल इस खबर की आपको हम शहजादी की देते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेल किया था, बल्कि मैं सच बताऊं बहुत इमोशनल हो गया, बहुत सारे लोगों ने मदद की मेल की थी। सिर्फ एक मेल के बारे में पढ़ता हूं, भूमिका पांचाल, इन्होंने लिखा है कि कल कहानी में बताई थी कि वकील की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, 10-20-30-40 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा कि शहजादी को बचाने के लिए अगर ढंग का वकील नहीं मिल रहा पैसे की वजह से, तो मैं वकील के लिए पैसे देने को तैयार हूँ, मदद करने को तैयार हूँ। तो देखिए हमारी क्राइम तक फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं इतने प्यारे, कि भूमिका पांचाल जी ने ये कहा है कि वो शहजादी की लीगल एड, लीगल फीस की का पूरा खर्चा उठाने को तैयार और मदद करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच भूमिका, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद अब डिप्लोमेट चैनल के ज़रिए ही ये सारा काम हो जाए और शहजादी वापस भारत लौट आए। तो ये वो अच्छी खबर थी, अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 2000 शुरू होने वाला था, 90s का दौर खत्म होने वाला था, और तब इस देश में एक ऐसा केस हुआ था जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। उसकी वजह ये थी कि ये खबर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में थी, और पूरे एक साल तक इस खबर पर एक तरह से एक पर्दा पड़ा रहा, एक पहेली, और उसको लेके पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव, भारत सरकार पर भी दबाव कि इस केस को सुलझाया जाए। और जब केस सुलझता है तो फिर जो चीज़ें सामने आती हैं वो शायद उससे पहले नहीं आई, उसके बाद तो बहुत सारी बार ऐसी चीज़ें हुई, बट उससे पहले नहीं हुई थी। ये कहानी 97 की है, यानी कि 27 साल पुरानी। 1997 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाली 25 साल की डायना क्लेर
रोटले हिंदुस्तान घूमने आती है। डायना अपनी पढ़ाई कर रही थी लंदन में रहकर, फादर उसके वहीं थे न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में रहा करते थे, और वो एक इंजीनियर थे, सरकारी इंजीनियर। तो सबसे छोटी बेटी उनकी डायना थी, लंदन में पढ़ रही थी। पढ़ाई के बाद छुट्टियों का मौसम आया तो उसने अपने फादर से कहा कि मैं एक बार इंडिया घूमना चाहती हूँ। उसे घूमने का शौक़ था, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें। फादर ने कहा ठीक है जाओ। वो चूँकि पढ़ाई के साथ अपने पैसे भी कमा रही थी पार्ट टाइम, तो पैसा कोई इशू नहीं था। अगस्त 1997 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डायना लंदन से न्यू दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली आने के बाद वो एक दिन दिल्ली में रहती है, फिर दिल्ली से आगरा जाती है, ताजमहल देखती है। ताजमहल घूमने के बाद अब उसका अगला जो पड़ाव था वो आगरा से था वाराणसी। वो वाराणसी के घाट, वहाँ के कल्चर, उन सारी चीज़ों को देखना चाहती थी। 7 अगस्त 1997 को अब डायना वाराणसी पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद वो एक गेस्ट हाउस, ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस, चूँकि ये घाट के किनारे था, वो चाहती थी कि घाट के किनारे रहूँ, तो उसी गेस्ट हाउस में वो चेक इन करती है। रूम नंबर 103 उसे मिलता है। डायना का रूटीन ये था कि वो हर शाम सोने से पहले रात को न्यूजीलैंड अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया करती थी। माँ बाप भी उसके जब बात हो जाती तो लगता चलो बेटी सुरक्षित है, ठीक है, तो फिर वो भी सुकून से सो जाते। 7 अगस्त को आती है, घाट वाट घूमती है, फिर 8 अगस्त को भी वहीं रहती है, फिर 9 अगस्त को रहती है। अब 10 अगस्त उसका लास्ट डे था वाराणसी में। 11 अगस्त की सुबह 7 बजे की उसकी ट्रेन थी, वाराणसी से उसको दार्जिलिंग जाना था। अब वो दार्जिलिंग घूमना चाहती थी, फिर दार्जिलिंग से उसे कोलकाता जाना था। लेकिन 10 अगस्त को वो बाहर घूमने जाती है, फिर गेस्ट हाउस से पूछती है यहाँ पोस्ट ऑफिस नज़दीक कहाँ है। ये वो दौर था जब ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें उतनी आम नहीं थी, तो ISD करने के लिए आपको फिर लैंडलाइन और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा था, अब तक की 10 दिनों या 8 दिनों का जो उसका भारत दौरा था उसकी तमाम यादें थीं कि मैं यहाँ गई, मैंने ये देखा, मैं इसके साथ गई। तो उसे ये शौक था, वो अपनी सारी रूटीन बताया करती थी अपने पेरेंट्स को। माँ बाप और बच्चों के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता था। तो उसने एक अपनी पूरी अब तक की जर्नी की कहानी एक लेटर के शक्ल में लिखी और वहीं वाराणसी में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद अब 10 अगस्त को आखिरी बार वो अपने घर बात करती है। 11 अगस्त को उसे जाना है दार्जिलिंग, घर वालों को ये बात पता है। 11 अगस्त की सुबह वो निकलती है। इसके बाद रात हो जाती है, फिर 12 अगस्त आ जाता है, फिर 13 अगस्त। डायना का फ़ोन घर वालों को नहीं आता, और अब तक इंडिया में जब से वो आई थी, मतलब हर रात ये ज़रूरी था कि वो अपने घर फ़ोन करती न्यूजीलैंड में और अपनी खैरियत बताती। लेकिन इधर 2 दिन लगातार हो गए वाराणसी से निकले हुए दार्जिलिंग जाने के लिए और उसका कोई कॉल नहीं। माँ बाप परेशान, अब फादर क्या करें, वहाँ से इतनी दूर बैठे हुए हैं, करीब इतने हज़ारों किलोमीटर दूर। बट उन्हें यह पता था कि वो बनारस में कहाँ रुकी है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ बताती थी, और वो चूँकि कॉल भी करते थे उसी नंबर से, और वो नंबर भी उसने दे रखा था कि मैं इस गेस्ट हाउस में हूँ। तो उन्होंने गेस्ट हाउस को फ़ोन किया और जो ये ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस है उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी डायना यहाँ रुकी थी। उन्होंने कहा जी 7th से 10th तक थी, 11th को उसने चेकआउट कर लिया, और उन्हें पता था 11th को उसको सुबह निकलना था। लेकिन फिर गेस्ट हाउस ने कहा हमें इसके बारे में तो और कुछ पता नहीं। अब गेस्ट हाउस वाले भी परेशान कि न्यूजीलैंड से फ़ोन आ रहा है इधर, ये भी पता नहीं। अब फादर एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं, तब तक 4-5 दिन निकल गया। एम्बेसी को बताते हैं ऐसी ऐसी बात है, अब न्यूजीलैंड एम्बेसी भारत सरकार को कांटेक्ट करती है। इसके बाद बनारस के आला पुलिस अफसरों तक खबर जाती है, कहा भैया तलाशो, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, डायना का कोई सुराग नहीं। अब फादर जो है डायना के, वो सीधे इंडिया आते हैं अपनी बेटी को ढूंढने, क्योंकि अब तक काफ़ी दिन बीत गया और दिन बीतने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं कि उनकी बेटी है कहाँ। तो फादर का नाम था एलन जैक। एलन जैक अब दिल्ली आते हैं और दिल्ली से बनारस जाते हैं, एम्बेसी को सारी जानकारी दे दी। वहाँ जाने के बाद जब वो आए थे तब उनके साथ पहुँचे तो घर में न्यूजीलैंड में कुछ और लोग थे जो फैमिली के बाकी मेंबर, वो अकेले आए थे।
तभी उन्होंने फ़ोन किया घर, तो पता चला कि एक लेटर मिला उन्हें, और ये लेटर डायना ने पोस्ट किया था वाराणसी से। तो न्यूजीलैंड से फ़ोन आता है मिस्टर एलन जैक को, और वो बताते हैं कि यहाँ एक लेटर मिला है डायना का जो वाराणसी से पोस्ट किया गया था। उस लेटर में उसने तमाम जिक्र किया था अब तक के अपने दौरे का, और साथ में एक बड़ी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी। उसने कहा मैं वाराणसी आकर भी बहुत खुश हूँ, यहाँ का कल्चर देखकर बहुत मतलब मुझे हैरानी हो रही है, और जो मुझे यहाँ गाइड मिला है वो बहुत ही अच्छा गाइड है, और उस गाइड ने मुझे तमाम बनारस की गलियाँ ये सारी चीज़ें घाट दिखाई हैं, और फराटेदार अंग्रेज़ी भी बोलता है। और उस लेटर में उसने उस गाइड का नाम भी लिखा, गाइड का नाम था धर्मदेव यादव। अब जैसे ये बात पता चली तो फादर गेस्ट हाउस जाते हैं और पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई मतलब आप किसी धर्मदेव यादव को जानते हो, तो पता चलता है कि उसी गेस्ट हाउस में जहाँ ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस में डायना रुकी थी, ये गाइड उसी गेस्ट हाउस से ही जुड़ा हुआ था। वो बताते हैं हाँ धर्मदेव यादव हमारे यहाँ जो भी फॉरनर आते हैं और हमारा सबसे फेवरेट गाइड है। पूछा गया ऐसा क्यों, तो पता चला जितने फॉरनर आते हैं उसका कोई लैंग्वेज बैरियर ही नहीं, वो फराटेदार अंग्रेज़ी बोलता है और उसे कुछ नहीं आता था। एक ज़माने में वो रिक्शा चलाता था कई सालों तक, फिर धीरे धीरे रिक्शा चलाकर फॉरनर को बिठा बिठा कर उसने कहा कि यार अंग्रेज़ी सीखते हैं तो ज़्यादा और फ़ायदा होगा, गाइड बन जाऊँगा। उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया और अब वो फराटेदार ऐसी इंग्लिश बोल लेता कि किसी भी फॉरनर टूरिस्ट को हैंडल कर लेता। तो गेस्ट हाउस से ये जानकारी मिली तो फादर ने बताया कि ये धर्मदेव यादव ही वो शख्स है जिसके साथ वो आखिरी बार देखी गई है, और वो उसने लेटर में भी लिखा उसके बारे में। अब मामला एम्बेसी से पुलिस तक पहुंच चुका था, पुलिस ने कहा कि धर्मदेव यादव को बुलाया जाए पूछताछ के लिए। बट हैरतअंगेज तौर पर पता चला कि जिस दिन 11 अगस्त 1997 को डायना ने ये गेस्ट हाउस चेकआउट किया उस दिन से धर्मदेव यादव भी गायब है, वो है ही नहीं। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि सेम डे गायब, फिर ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाइड उसको ज़्यादा इतना पसंद आ गया कि उसने कहा चलो तुम मुझे और भी जगह पे गाइड करो, तो दार्जिलिंग भी अपने साथ ले गए, और फिर ये था उसको नेपाल भी जाना था। अब पुलिस की एक टीम नेपाल की तरफ भी रवाना हो रही है, उधर दार्जिलिंग में भी देखा जा रहा है, फादर खुद दार्जिलिंग पहुंच गए फिर नेपाल के चले गए, कोई सुराग नहीं मिला। अब यहाँ हैरानी इस बात की थी कि अगर वो गाइड के साथ गई भी है तो अपने फादर को अचानक या घर वालों को फ़ोन करना या लेटर लिखना बंद क्यों कर दिया जबकि उसने कभी ऐसा किया नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो डरा रही थी कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। अब धर्मदेव यादव की तलाश की जा रही है लेकिन उसको ये भी पता नहीं कि सौस वालों को कि इसका घर कहाँ है। वो आया और वैसे बहुत सारे लोग जैसे बनारस में रहते हैं वो रहने लगा, तो किसी ने पूछा भी नहीं, नौकरी पर रख लिया था। अब पुलिस के सामने दिक्कत, धर्मदेव यादव की तलाश जारी। धीरे धीरे करके 97 से 98 आ गया। 11 अगस्त को आखिरी बार देखी गई थी चेकआउट करते वक्त डायना, 11 अगस्त 1997, और अब अगस्त 1998 आ गया, पूरा एक साल बीत गया। एक साल बीत गया, इस दौरान में फादर 3-4 चक्कर काटा उन्होंने, खाली हाथ चले गए, तमाम चीज़ें की पुलिस के भी आगे एम्बेसी के भी आगे, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, उम्मीदें कम होती जा रही हैं। एक साल के बाद अचानक 18 अगस्त 1998 को वाराणसी पुलिस को उसी गेस्ट हाउस का जो थाना था उसके इंचार्ज को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि सर जिस धर्मदेव यादव को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन पर नजर आया बनारस के। फौरन पुलिस की एक टीम जाती है प्लेटफॉर्म पर, चारों तरफ देखती है, धर्मदेव यादव मिल जाता है क्योंकि उस गेस्ट हाउस के कुछ मुलाजिम भी साथ गए थे और वो शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस फौरन उसे दबोचती है, पकड़ कर लाती है, तो इधर उधर के बहाने करता है लेकिन कुछ बताता नहीं है। अब पुलिस के सामने लेकिन ये था कि एक साल से ये बंदा गायब है और भाग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके रहन सहन भी पुलिस ने देखे, ठीक ठाक कपड़े पहने हुए। पुलिस ने अब उससे सख्ती की, जब सख्ती की तो फिर वो टूट गया, फिर उसने कहानी सुनाई। अब पुलिस की टीम उसकी कहानी सुनने के बाद उससे कहती है कि चलो अपने साथ ले चलो। वो कहता है कि डायना का सच जानने के लिए अब आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, और वो घर उस पुलिस स्टेशन से या उस गेस्ट हाउस से जहां डायना रुकी थी करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर था। बनारस के करीब इस गांव का नाम है वृंदावन, एक वृंदावन मथुरा में भी है लेकिन ये बनारस के पास का है।
पुलिस की टीम गांव पहुंचती है। धर्मदेव यादव का एक शानदार मकान 7 कमरे का। पुलिस देखकर हैरान कि एक गाइड उससे पहले रिक्शा चलाता है, ये कैसे? तो पता चला कि एक पहली टूरिस्ट थी कोई, वो उसको बताता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने जाते आते खुश होकर उसे इनाम दिया था, $8,000। ये उसकी कहानी थी। और उसी पैसे से उसने ये सारा घर बनाया 7 कमरों का। बीवी थी, एक बेटा था। पहली बीवी की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी, वो कैसे हुई किसी को नहीं पता। उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी से एक बेटा था, छोटा सा, करीब 3 साल का। पुलिस की टीम वृंदावन उसके गांव पहुंचती है, गांव जाता है। अब वो अपने घर का ताला बंद था, 7 कमरों वाला, चाबी निकालता है, दरवाज़ा खोलता है। अब अंदर 7 कमरे, एक एक कमरे से वो गुजरता है, फिर एक कमरे के बाहर रुकता है और पुलिस वालों से कहता है कि चलो इस कमरे के अंदर अंदर चलते हैं। अब वो पुलिस वालों को लेकर अंदर जाता है। कमरे में एक बेड था, पूरा ज़मीन पर प्लास्टर था, दीवारें छत सब कुछ सलीके से थी। वो बेड की तरफ देखता है और कुछ पुलिस वालों से कहता है कि इस बेड को हटा दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं पहले तो तू भी हटा। तो उसके बाद वो मिलकर सब हटाया जाता है, बेड को कमरे से बाहर निकाला जाता है। अब वो कहता है कि जहाँ पे ये बेड है उसके ठीक नीचे खुदाई शुरू कीजिए। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तब तक बीवी आ चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले पुलिस ने पकड़ा, खबर पहुँच चुकी है कि पति गिरफ्तार है। वो अपने बच्चे को लेकर उसी घर में आई। अब भीड़ को देखकर वो घबराई हुई, अब वो कमरे में दाखिल होती है। अब जिस कमरे में ये बेड है और तमाम पुलिस वाले हैं, ये वो कमरा है जिसमें वो बीवी अपने बेटे के साथ पिछले 1 साल से सो रही थी। अभी तक बीवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रही है आप ये क्यों मेरे बेडरूम से बेड हटा रहे हो और ये फावड़ा चला रहे हो, आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो, कमरा क्यों बर्बाद कर रहे हो। कोई उसे कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे खुदाई शुरू होती है। खुदाई जब शुरू होती है गहरा होता जाता है। तमाम पुलिस वाले, बीवी बच्चे सब वहीं पर हैं उसके। अचानक अंदर से एक कंकाल दिखाई देता है। कंकाल को जब बाहर निकाला जाता है, बीवी खड़ी हुई है और ये जो धर्मदेव यादव है ये बता रहा है कि साहब यही डायना है और मैंने 13 अगस्त 1997 को, यानी जिस दिन गायब हुई उसके 2 दिन बाद, इसी कमरे में उसका गला घोटा था और फिर इसी कमरे में गड्ढा खुदवा कर उसको दफना दिया था और फिर इस पर प्लास्टर करवा दी, फिर इसी पे बेड रखा। किसी और को शक ना हो, कभी दिल में एक चोर था तो मैंने अपना बेडरूम बदल लिया और इसी बेडरूम में आ गया और बीवी बेटे के साथ इसी रूम में सोता था। ये कहानी सुनते ही पास में खड़ी बीवी बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे अगले आधे घंटे बाद होश आता है। जब होश आता है तो वो चीखने लगती है इस बात के साथ कि मैं पूरे 1 साल तक किसी लाश के ऊपर बिस्तर पर सो रही हूँ, मेरा बेटा सो रहा है और मुझे पता ही नहीं। उसको खुद से एक घिन आने लगती है या खुद से एक डर महसूस होने लगता है। इसके बाद उन कंकालों को टुकड़ों को उठाया जाता है, हॉस्पिटल भेजा जाता है, न्यूजीलैंड खबर दी जाती है। खबर एक दिन पहले ही दे दी गई थी क्योंकि धर्मदेव यादव गिरफ्तार हो चुका था। मिस्टर एलन जैक रोटले फिर से न्यूजीलैंड से बनारस पहुंचते हैं। आने के बाद वो उससे मिलते भी हैं, पूछते हैं तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। फिर वो पूरी कहानी सुनाता है। कहता है 3 दिन तक बनारस में मैंने खूब डायना को घुमाया, यहाँ तक कि हमारी इतनी दोस्ती हो गई कि डायना अगर कहीं डिनर करती, लंच करती, चूँकि दिन में घूम रहे होते, तो मुझे अपने सामने के टेबल पर बिठा कर खुद भी खाती और मुझे भी खिलाती। कभी ये भेदभाव नहीं करती कि मैं गाइड हूँ या उससे छोटा हूँ, गरीब हूँ। उसने उसे वो दर्जा दिया और वो उसको बहुत अच्छे से घुमा रहा था। 11 अगस्त की सुबह उसे दार्जिलिंग जाना था 7 बजे। ये बात धर्मदेव यादव को ही पता था। धर्मदेव यादव को ये भी पता चल गया था इन 3-4 दिनों में कि डायना के पास करीब $6,000-$7,000 है और ठीक ठाक पैसे। इन 3-4 दिनों में उसे ये भी पता चल गया था कि उसे भी इंडिया रहना, और उसने कहा था कि मुझे रियल इंडिया देखना है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा रियल इंडिया मीन्स गरीबी, गरीब लोग, गरीब बस्तियाँ, झुग्गी, स्लम,
बहुत सारे विदेशियों को देखने का बड़ा शौक होता है। तो डायना ने भी कहा था कि मुझे रियल इंडिया देखना है, और रियल इंडिया में रियल इंडिया के कल्चर के साथ साथ गांव, गरीबी, भूखमरी ये भी देखना है। तभी इसको आइडिया आया, उसने कहा कि तुमको रियल इंडिया देखना है तो मेरे साथ मेरे गांव चलो। तो उसने कहा लेकिन मुझे तो दार्जिलिंग जानी है। तो कह रही तुम दार्जिलिंग से जाकर फिर आओगे, खर्चा ज़्यादा होगा, ये टिकट मैं तुम्हारी दोबारा करा दूंगा, मेरे पास तो एजेंट के नंबर भी हैं, पैसे कुछ तुम्हारे जाएंगे नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, एक दो दिन के बाद का डेट करा देते हैं। डायना मान गई, और यहीं उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। दार्जिलिंग ले जाने की बजाय अब धर्मदेव यादव उसे अपने साथ अपने उसी गांव ले गया, सात कमरों के घर में, बीवी बेटे वहाँ थे नहीं, वो मायके में, तीन दोस्त और थे। उसने गांव दिखाया पहले दिन, सब ठीक। फिर 12 तारीख आई, उसने 12 को भी गांव दिखाया, सब ठीक। फिर 13 अगस्त की तारीख आई, 13 अगस्त को ये तीन दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे, वो भी देसी शराब चढ़ गई। उसके बाद अचानक बुरी नीयत जागी, तीनों ने डायना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। डायना थोड़ी हिम्मत वाली लड़की थी, उसने अपना बचाव किया और फिर चीखी और साथ में ये भी बोली कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। जब उसने धमकी दी तीनों डर गए चारों बल के। इसके बाद उन्होंने उसका मुंह बंद करने के लिए उसका गला घोटना शुरू किया, खासतौर पर धर्मदेव यादव ने, और इसी दौरान डायना की मौत हो गई। मौत होने के बाद लाश कमरे में, चारों डरे नहीं, फिर शराब पी, पूरी रात बीत गई। फिर अगले दिन सुबह धर्मदेव यादव ने दूसरे कमरे में, जो उसका यूज़ नहीं था, उसने वहाँ बुलाया एक मिस्त्री को और मजदूर को, और उसने कहा कि यहाँ गड्ढा खोद दो। उस कमरे में उसने गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवाने के बाद उन्हें पैसा दिया और चला गया, और ये लोग फिर शराब पी रहे। जब रात हुई तो लाश को उठाया और उसी कमरे में गड्ढे में लाश को डाल दिया। फिर अगले दिन मजदूर को बुलाया और बोला इस पर प्लास्टर कर दो। फिर उसने प्लास्टर कराया। फिर उसके बाद उसने अपने बेडरूम का बेड उस बेडरूम में शिफ्ट किया, उस पर गद्दा वद्दा लगाया, सारे दोस्त चले गए। फिर उसने बीवी और बेटे को बुलाया और किसी को पता ना चले, इसलिए वो उसी कमरे में जिस कमरे में लाश थी उसी के बेड के ऊपर अपनी बीवी और बेटे के साथ अगले एक साल तक सोता रहा। जब ये सारी कहानी सामने आई, फिर मामला कोर्ट में गया। 2002 में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसने धर्मदेव यादव को सजाए मौत दी। बाकी तीन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था कि वो इसका गला घोटने में शामिल थे, इसलिए उन्हें मामूली सजा दी गई। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक विदेशी सैलानी टूरिस्ट को इस तरह धोखा देकर मारने के इल्ज़ाम में धर्मदेव यादव को सजाए मौत ही दी, बरकरार रखी, लोअर कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। अब इसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा, और आखिरकार 11 अप्रैल 2014, यानी कि इस इंसिडेंट के 16 साल के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को अपना फैसला सुनाया और कहा कि इस पूरे केस में एक भी विटनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे है। जो कंकाल मिले थे उसका सैंपल से मिस्टर एलन, उसके फादर, मैच कर गया कि ये डायना का ही है, तो उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन डायना को गांव ले जाते हुए, डायना को मारते हुए, डायना को दफनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विटनेस नहीं है, सिर्फ सरकमस्टांशियल एविडेंस है, लेकिन हाँ ये भी है कि इसके अलावा और कोई है नहीं, तो इसीलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मानेंगे, तो फांसी की सज़ा ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए 2014 में धर्मदेव यादव की सज़ा 20 साल कर दी, 20 साल कैद बामशक्कत। 2014 में धर्मदेव यादव को जेल में रहते हुए 16 साल, बल्कि 18 साल वैसे ही हो चुके थे, 16 साल, और 14 में 20 साल की सज़ा मिली, तो 16 साल उसके हो चुके थे, 6 साल से भी कम, करीब आगे 5 साल उसने और सज़ा काटी। जेल में जो छुट्टियां वट्टियां होती हैं उसके बाद वो 2019 के आसपास आज़ाद हो गया।
अब कहाँ है पता नहीं, लेकिन हो सकता है आज भी कहीं किसी कोने में पड़ा हो। अब कभी कभी हमारे अदालती फैसलों पर इसीलिए ये भी सारी चीज़ें सामने आती हैं कि एक लड़की जो हिंदुस्तान घूमने आई और अचानक गायब होती है, फिर उसको मार दिया जाता है। एलन की पूरी एक कहानी छपी थी न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर में। अपनी बेटी के ट्रायल के लिए वो लगातार न्यूजीलैंड से बनारस आया करते थे लोअर कोर्ट में, सिर्फ एक उम्मीद थे कि धर्मदेव यादव को कानून सख्त से सख्त सजा दे। जब फांसी की सजा हुए बहुत खुश थे, उन्होंने कहा इसे अगर फांसी पे चढ़ा दें मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। करीब $1,00,000 उन्होंने अपनी बेटी के मुकदमे पे आने जाने में अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलाने के लिए, $1,00,000। आज के दौर में करीब 80-85 लाख रुपए हो गए इंडियन में। लेकिन फिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 20 साल के बाद उस कातिल को आज़ाद कर दिया और आज वहीं हमारी इसी आबादी के बीच में कहीं किसी और नाम से या किस शक्ल सूरत तो बदल गई होगी, जिंदा होगा तो घूम रहा होगा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला, आज मितुल गोपानी इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मितुल। और ये भेजा है मितुल मोनपारा ने। आरुष मंजुल इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आरुष। और ये भेजा है माधुरी मंजुल जी एंड डॉक्टर गौतम मंजुल जी ने, उनके बेटे हैं आरुष। योगिता का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे योगिता। और ये संग्राम साहब की पत्नी है मुंबई से। सुमित उनियाल का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सुमित। और ये भेजा है अजय बानियाल ने, ये दोनों उत्तराखंड के हैं लेकिन रह रहे हैं न्यूजीलैंड में, और कहानी आज की न्यूजीलैंड की थी। इसके अलावा सुधा यादव इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सुधा जी। और ये भेजा है राहुल यादव ने, उनकी पत्नी है। एडवोकेट उत्कर्ष आनंद साहब का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष आनंद जी। और ये लखनऊ बेंच जो हाईकोर्ट है अलाहाबाद का, उसके लखनऊ बेंच में रोहित दुसाने एंड राहुल दुसाने, ये दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, इन दोनों का जन्मदिन आज एक साथ। तो रोहित और राहुल आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मुबारक। और ये भेजा है डिम्पल दुसाने जी ने, उनके बेटे हैं ये दोनों, दो रत्न हैं उनके ये। साथ ही दीक्षांत बुनकर इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे दीक्षांत। और ये राजस्थान से हैं। प्रभु वैष्णव का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे प्रभु। भेजा है सुमन वैष्णव ने, उनके भाई हैं, इनका कल है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल संडे है, कहानी होती नहीं। इसके अलावा शिखा मौर्य जी का भी कल बर्थडे है तो एडवांस में आपको भी हैप्पी बर्थडे शिखा जी। और ये तेज बहादुर मौर्य की पत्नी है। कृष्णा इनका भी जन्मदिन जो है इनका आज ही है तो हैप्पी बर्थडे कृष्णा। और ये भेजा अनुप्रिया ने, अनुप्रिया के भाई है, एंड ऑल द बेस्ट कृष्णा आपकी पढ़ाई के लिए, पता चला आप घर के बाहर हैं। साथ ही बिट्टू कुमार थैंक यू सो मच, रोहित यादव इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, आनंद कुमार इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो शहजादी के केस में मदद करना चाहते हैं, उन्होंने नाम लिखा, लंबी लिस्ट है, किस किस के नाम लूँ। हाँ, दो चीज़ें और, आज गगनदीप कौर और अमनिंदर सिंह इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। और अमनिंदर सिंह ने लिखा है कि शायद शादी के 5 साल हो गए और इनकी वाइफ जो गगनदीप कौर जी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, अब इनको शायद वीज़ा मिला तो 5 साल बाद ही अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं। और इत्तेफाक से ये जो एनिवर्सरी है शायद आज ये कल रात ही पहुँचे होंगे, तो इससे बेस्ट क्या होगा, गगनदीप कौर जी और अमरिंदर सिंह जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हमेशा आप लोग साथ रहें, यही दुआ है। शबनम खान और खालिद खान इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है तो शबनम जी और खालिद साहब आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, ये जमशेदपुर से हैं। तो कहानी में आज इतना ही, वैसे आज तक पर कल रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विश्रम्स में आपसे मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा परसों मंडे को किसी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।